ये एक गेमिंग स्मार्टफोन है जिसमें बहुत ही मजेदार चीजें ऐड कर रखी हैं। लेनोवो ने एक्चुअली गेमिंग फोन निकाला था डुअल वन, जिसमें बहुत ही तगड़े तगड़े फीचर्स थे और काफी इंटरेस्टिंग ये डिजाइन था। बट ये वाला उसका नेक्स्ट वर्जन है, इसमें और भी ज्यादा मसाला ऐड कर दिया गया है। वैसे अगर लोगो देखो तो मेरे को मर्सिडीज का फोन लगा। क्यों मर्सिडीज का लोगो क्यों लगा दिया? LM आसपास है ना भाई ने पकड़ लिया। LM क्योंकि पास पास है, इससे लोगो भी पास पास। रात में नहीं है मुझे नहाना, बट आता है बहुत तगड़ा गाना बजवाना। वाओ बट टाइम आ गया। एक्चुअली मैं गाड़ी की आवाज निकाल रहा हूँ, मर्सिडीज का फोन है ना भाई। ओ ये क्या, ओ अच्छा ये उल्टा मर्सिडीज का लोगो है। सैवेज इनसाइड स्टाइलिश आउटसाइड। दो चार्जर, ये स्मार्टफोन दो तारों से चार्ज होता है और यहाँ पे दो पोर्ट भी लगे, केबल भी 5 एम्पीयर के। ये जो बड़ी वाली लाइट है ये चलती है 5 एम्पीयर के केबल पे। बट भाई फाइनली हमारे पास ये एक्चुअली लोगो नहीं था, ये देखो ये टेढ़ी स्माइल है और इसके ऊपर दो आंखें हैं। यूजुअली होता क्या, यहाँ की साइड में से कैमरा में लगा, बट इसमें भाई पूरा फुल टू ऐसे पकड़ के फोटोग्राफी करेंगे। यूजुअली जब भी आईफोन पे लोग फोटो खींचते हैं ऐसे पकड़ ले, किसी को पता नहीं चल पाता कौन से फोन से फोटो। लेनोवो वालों ने इसी के लिए इसका ऐसा कैमरा क्रिएट करा कि लोगो हमेशा हमको फ्रंट में रखे, बट सारे जो अगर साइड में करो। बहुत ही एपिक सा डिजाइन है भाई इसका और काफी ज्यादा डिफरेंट भी है। यहाँ पे लिटरली एक फैन है, फोन के अंदर फैन है। वाओ मेरे लैपटॉप में भी फैन नहीं है भाई। अब सबसे बड़ी चीज तो बिल्ड में इतनी सारी चीजें हैं। यहाँ पे एक पंखा है, ये उस पंखे के वेंट्स हैं जो साइड में हवा फेंकते हैं। ऊपर की साइड में R1 ये ट्रिगर है और ये वाला L1 ये दूसरा ट्रिगर है। यहाँ पे एक पावर बटन और इसकी आउटलाइन पता नहीं क्यों बना रखी है भाई, इसका भी कुछ होता होगा मेरे को अभी पता नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर है, साइड में आपका USB टाइप सी पोर्ट है, नीचे भी एक टाइप सी पोर्ट है और ये पूरा एक मेटल और एक ग्लास वाले फ्रेम में बना रखा है और पकड़ने में डेफिनेटली काफी एपिक सी फील दे रहा है। स्पीकर्स भी इसमें दो हैं, आप सोचोगे नीचे की साइड पे स्पीकर। एक्चुअली हुआ क्या, मेरे हाथ से अभी छूट गया था नीचे और मैंने एक कांच का टुकड़ा वहां उड़ता देखा। डर सा लग रहा है क्योंकि अभी तक एक भी स्मार्टफोन टच वुड टूटा नहीं था हमसे। एक्चुअली जब भी कोई फोन टूटता है ना तो ऐसे अंदर दुख सा लगता है। वो एक्चुअली एक मेटल वाले पार्ट पे टेबल के कोने पे गिरा था जहाँ पे कोई भी फोन टूट जाता तो। हाँ भाई सॉरी, एक्सीडेंटल ड्रॉप टेस्ट हो गया था, बट कोई बात नहीं, फोन तो चल रहा है। ये 3.5 mm USB वाला कन्वर्टर भी दे रहा है। ये हमारा केस, काफी मस्त चीजें, जैसे इसकी लाइट जलती है जब आप एक्चुअल इसको यूज करते हो। एक RGB लाइट है, देखो मैं ग्रीन में भी जला सकता हूँ भाई, मल्टी कलर जलाना हो तो मल्टी कलर भी। एक्चुअली पीछे की जो लाइट है उसको फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे इनकमिंग कॉल आ रही है या फिर टर्बो पे फैन चलाना है या फिर म्यूजिक के टाइम पे या फिर गेम खेलते टाइम। सबसे पहली चीज तो हाथ में पकड़ने में काफी हैवी और काफी बल्की सा स्मार्टफोन लग रहा है क्योंकि इतनी सारी चीजें, इतने सारे एलिमेंट्स हैं। स्पीकर्स ऊपर नीचे होने वजह से फोन की लेंथ भी काफी ज्यादा बड़ी है, पर एक्चुअल कैमरा बम्प नहीं, कैमरा प्लेटो बना दिया भाई अब। ऑल्दो काफी एक डिफरेंट डिजाइन है बट डेफिनेटली काफी एक गेमर, काफी एक एस्थेटिक्स फील दे रहा है। नीचे की साइड और ऊपर की साइड दोनों साइड स्पीकर्स हैं, बट गेस करने की कोशिश करो इसमें फ्रंट कैमरा कहाँ पे। अभी वैसे बैक कैमरा की वजह से पीछे की साइड में हाई कर सकता, बट अगर मैं कैमरा स्विच का बटन दबाऊं ये कहां से निकल रहा है। ये कैमरा एक्चुअली उठ के आ रहा है, जो ऐसी बड़ी चीज नहीं है, बट जो पावर बटन है वो कैमरे के ऊपर दे रखा है भाई, जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। बेसिकली अगर अभी तक नहीं पता चला तो ये वाला फोन गेमर्स के लिए बनाया है, पूरा दिन गेम खेलने के लिए बनाया है। पूरे स्मार्टफोन को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि आप ऐसे पकड़ के इसको यूज करोगे, ऐसी पकड़ के फोटो भी खींचोगे, ऐसी पकड़ के सेल्फी भी खींचोगे। हमारे पास है दो वेरी एक्साइटिंग 5 एम्पीयर की केबल। मेरे को पता डॉक्टर वाली फील आ रही है, ऐसे करंट लगाने जा रहा हूँ पेशेंट को। एक लगाएंगे नीचे, एक लगाएंगे यहाँ पे। ओ डबल चार्ज, ओए ये सिंगल, देखो यहाँ पे सिंगल चार्ज दिखा रहा है, अभी एक लगाया है, ये लगा दूं, वो डबल चार्ज भाई। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्चुअली दो बिजली कड़क रही है। इसमें 90 वॉट की चार्जिंग स्पीड अवेलेबल है। मेरे को पता है आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, दो केबल से कैसे चार्ज हो रहा, बैटरी तो एक ही है, दोनों एक ही जगह जा रही, बट नहीं एक्चुअली होता क्या, काफी सारे रिसेंट जो फोन है उनमें बैटरी डिवाइड कर दी जाती है दो पार्ट में ताकि फास्ट चार्ज हो पाए, तो इसकी बैटरी दो पार्ट में डिवाइड करेगी। तो अगर आप दोनों तार लगाते हो दोनों बैटरी एक साथ चार्ज होते हैं, चार्जिंग स्पीड वेरी इंक्रीज हो जाती है। इतने इंटरेस्टिंग कैमरा वैमराज दे रखे, टेस्टिंग भी कर लेते हैं, लेट्स गो। हम दोस्तों दुनिया जहान की फोटो खींचेंगे, बट सबसे पहले खींचेंगे सेल्फी। ओह माय गॉड हमने मिस्टेक कर दी, ऐसे खींचेंगे सेल्फी। दोस्तों अगर आप सेल्फी ध्यान से देखो तो इसमें जब भी मैं फोटो खींचता हूँ ऐसे ज्वालक जो लिखा वो उल्टा लिखा आता है, बड़ा आपको घबराना नहीं है, हमारा जो मकसद है वो हमेशा सीधा लिखा हुआ दिखता है। 1 trillion सब्सक्राइबर्स, जल्दी दबा लो बस बटन। बैक कैमरे से भी फोटो खींच के देखते हैं, एक वाइड में एक थोड़ी जूम करके 1x 5x में भी खींच लेते हैं। जो एक्चुअल फोटोज हैं वो डिसेंट से आई हैं, हल्का फुल्का फोकस का इशू है, जो कलर्स हैं और जो स्किन टोन्स हैं वो डिसेंट है, बट जो एक्चुअल फोटोज हैं वो कभी कभार काफी तगड़े आ जाते हैं। ऐसे इस वाली फोटो में काफी अच्छी डिटेल आई है, बट कभी कभार हल्का सा इनकंसिस्टेंट हो जाता है।
ओवरऑल एक गेमिंग फोन के हिसाब से एक डिसेंट कैमरा बोला जा सकता है, बट एक चीज जिसमें डिसेंट काम नहीं चलेगा वो है गेमिंग। वेरी वेरी एक्सट्रीम हाई क्वालिटी गेमिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैथ्स मेरी भी अच्छी नहीं थी बट नंबर वेरी वेरी नाइस। इसकी स्क्रीन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 720 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है जो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। ये वर्ल्ड में अभी तक सबसे ज्यादा फास्ट टच सैम्पलिंग रेट, वो डेफिनेटली फील होता है भाई। कहीं पे भी टच करो, हल्का सा स्लाइड करो, बड़े आराम से स्लाइड होता है। काफी सारा ब्लोटवेयर है क्योंकि ये चाइना से इंपोर्ट करा रखा है। ऑफ कोर्स एम्बेडेड है, इस प्राइस पॉइंट पे इससे कम एक्सपेक्ट नहीं करोगे, बट गेम खेलने में कितना मजा आएगा उसकी टेस्टिंग करनी बची है। हैज़ फॉल्ड 9 सबसे पहले खेलेंगे गेम लोड। भाई लोडिंग टाइम तो काफी तगड़ा है, मजा ही आ गया है। नाइट्रो फोर टू ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट कर लेते हैं भाई, कूल कूल बता रहा है, ये हमको कूल बता रहे हैं, हम आगे लगा रहे हैं इधर भाई। एक्चुअल साउंड बहुत ही तगड़ी यार, इसमें ना आप ऊपर से स्क्रॉल कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो सारी चीजें बता रहा है, वाईफाई का सिग्नल बता रहा है, पिंग बता रहा है, उसके यहाँ से ब्राइटनेस ऊपर नीचे, स्क्रीन का रिफ्रेश रेट, गेम का एफपीएस, सीपीयू जीपीयू सारी चीजें एक जगह पे भाई। तो वो यहाँ पे और भी फीचर है, वाओ। अपना टाइम हम और भी गेमों को देंगे। बीजीएमआई के लिए रेडी हो गए। ग्राफिक्स में कौन सी, ओए इसमें स्मूथ में 90 एफपीएस अवेलेबल है और अल्ट्रा एचडी भी अवेलेबल है भाई, हम स्मूथ में 90 एफपीएस में खेलेंगे। हमको फुल 2 रिफ्रेश रेट का इस्तेमाल करना। इसमें एक ऑप्शन है L1 आर्मर, इसमें सिंगल मल्टी स्वाइप कर सकते हो। 4D में अगर भाई मैं मोबाइल ऐसे पीछे करूं तो पीछे आता भाई, बहुत ज्यादा वियर्ड है। और जितने फीचर्स हैं वो सारे काम करते हैं भाई, लेजेंडरी हो गए भाई हम तो, आज तो असली विनर है भाई। भाई गेम पे 88 FPS 90 FPS ऑलमोस्ट जा रहा है, 14 पे आगे पहुंच गए भाई। अरे वाओ, मैंने एक चीज में नोटिस करी, आप जब ऐसे पकड़ोगे तो आप इस वाले पार्ट पे पकड़ोगे या फिर इस वाले पार्ट पे, और ये दोनों ही पार्ट्स बिल्कुल गर्म नहीं होते, बस ये जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पे फैन लगा हुआ है यहीं पे सारे गर्म होने वाले कॉम्पोनेंट्स दे रखे, तो आप जब भी गेम खेलोगे आप कभी भी हाथ पे गर्म नहीं फील हो। बट भाई गेम खेलने के लिए इसमें फीचर भर रखे हैं। इसमें 2 स्पीकर है ऊपर नीचे, डेफिनेटली काफी तेज आवाज देते हैं। अभी तक जो बेस्ट आवाज है वो मैंने ROG फोन में सुनी, उससे काफी हद तक कंपेरेबल है। बट जो ओवरऑल पैकेज है स्नैपड्रैगन 888 के साथ और जो एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स देखने में मिलते हैं, आई डेफिनेटली काफी तगड़ा स्मार्टफोन बनाता है। परफॉर्मेंस वाइज सारी चीजें एकदम टॉप ऑफ द लाइन में है, लाइन को फाड़ दिया बट भाई डेफिनेटली गेम खेलने के लिए काफी तगड़ा स्मार्टफोन बनाया गया। बट अगर आपको गेम नहीं खेलनी है तो इसमें एक्स्ट्रा एक फैन भी है, काफी एक बल्की स्मार्टफोन है, काफी बड़ा भी है, एक्चुअल फील होता है भाई कि कुछ बड़ा है जेब के अंदर, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है, बट डेफिनेटली हमको ट्राई करने में काफी ज्यादा मजा आया इसको, और होपफुली आपको वीडियो देखने में। अगर आओ तो लाइक कर देना, 1 ट्रिलियन सब्सक्राइबर्स जल्दी करा दो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।